टिकट पाने के चक्कर में तो पहले था मैं और अब भी हूँ। टिकट देने के इलेक्शन भी लड़ूंगा, जो मैं नहीं जीतता था उसको जीतने में नहीं दूंगा। एक चादा तब भी उसका नहीं पिया। जीतने के बाद मैंने पूछा उससे, मगर भाई मेरे नाम तक को पैसा ले गया, मैंने कितना मेरे फोन उठाता ना मेरे करता मैं उसके साथ में, इसलिए इतना इतना फर्क है उसको कुछ उसका भाव उसके इस चीज़ का लोगों का पता नहीं उसके दिमाग में क्या है गया कि आगे 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 के लिए आपका रोड़ा है। प्रशासन की तरफ से रखी गई थी, हमारे सेक्टर साहब ने बात की थी कि 6 तारीख को दोनों पार्टियां आ जाओ तो ये जो वाद विवाद जो फैला हुआ है तो इसको निपटारा कर लो। लेकिन मैं कल भी मैं ASP साहब से बात हुई थी, मगर जी आप आओ, मैंने कल मैं तो बिजी रहूँगा मगर सिर्फ आधा घंटे के लिए आ जाओ कि दो पार्टियाँ वो आ रही हैं, सेक्टर साहब भी आ रहे हैं, और हमारा जो बीच में बैठ कर जो बात होगी जो निखर कर आएगी आप उसके संज्ञान उसमें ले करके आप अपने नोट करके तो आगे की कार्रवाई के लिए लिख दियो। तो कहने लगा ठीक है, कल वह नहीं आए तब नहीं आए ना सच्चों को, मैं सच्चों से मेरे बात कही, मगर कह रहे हैं बोले कि आप अपने लेवल पर सुन जाओ इसको क्योंकि आपका मामला है ये, हमें तो सिर्फ आपको सिर्फ कोई झगड़ा वगैरह ना हो जाए इसलिए हमारी ड्यूटियाँ बढ़ती है, मगर फिर इसलिए बढ़ती है तो फिर वो जो दो बुला रखे हैं उन्हें बुला लो तो जैसे भी होगी। लेकिन वो तो ना तो वो दूसरे आए और ना ही उसकी तरफ से कोई आदमी आया, हम तो वेट करके उनकी इंतज़ार करके कि ये हम तो सोचता है कि ये किसी न किसी तरीके ये निबड़ जाए और कोई वाद विवाद ना हो, ये भवन को सुचारू रूप से चलने दे, हमारा तो मकसद यही है। लेकिन कुछ आदमी इसमें अपना इंटरफेयर करके कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, उनकी मर्जी है, वो क्या करें। जो पार्टी में विवाद रहा विधायक को चेयरमैन पद से हटाया गया, क्या उसके बाद इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा हुई? नहीं, वो तो सरकार जाने विधायक जाने, हमने इससे क्या मतलब है, ये तो सरकार का काम है। जो विधायक उनके साथ अटैच रहेगा उनके साथ मिलजुल कर रहेगा तो ठीक है, कोई बात उनकी आपसे बड़ी होगी तो उसको हटा दिया, समाज ना बना सकता। उसमें हमारा क्या रोल है, उसमें हमारा तो कोई रोल नहीं। कुछ बातें ऐसी भी आई कि प्रीति सिंह जी टिकट पाने के चक्कर में इस प्रकार की टिकट पाने के चक्कर में तो पहले था मैं और अब भी हूँ, टिकट देने के इलेक्शन भी लड़ूंगा, अगर टिकट हुआ जब मैंने जब वो कहते हैं आप ठहर जो इनके तो रामनिवास को लड़ा देंगे, मैं लड़ा दो जब मैं अर्धा में मैं लड़ूंगा, जब मैं नहीं जीतता था उसको जीतने में नहीं दूंगा, समझे इस बात। तो इसलिए मैंने तो उसको अच्छी तरीके मैंने हेल्प करी है उसकी, एक नया पीछा तो मैंने उससे कोई कहे तेल गलाया नहीं, मैंने कोई चुप का तेल का नहीं गलाया, गाड़ी मेरी फ्री में चल रही, एक चागा तब भी उसका नहीं पिया। जितने के बाद मैंने पूछा उससे, मगर भाई मेरे नाम तक को पैसा ले गया, मैंने कहा नहीं ले गया, लेकिन तो फ़ोन करेगा जब मैं ले करूँगा अपना, अब मैं भी आया करूँगा अब आए कर मिल जाओ तो जब बुलाऊँगे, मैं बुलाया नहीं मैं गया नहीं ना मेरे फ़ोन उठाता ना मेरे करता मैं उसके साथ में, इसलिए इतना इतना फ़र्क है उसको कुछ उसका भाव उसके इस चीज़ का लोगों का पता नहीं उसके दिमाग में क्या है गया कि आगे 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 के लिए आपका रोड़ा है, यूँ मेरे से बोलना चाहने बंद कर दिया। तो जो समिति है इसमें आपको आपने उनको लेना चाहा हो तो उनका क्या जवाब रहा है? किसका इस समिति में आप उतने लेना चाहते हो जैसे आपको विधायक हैं वाल्मीकि समाज के हैं तो उसको लेकर कोई बात हुई उनसे? कौन सी समिति में? ये जो फिलहाल जो बैठे हैं वाल्मीकि महासभा जब कल फोन आया था आपके पास? अच्छा अच्छा वो तो सिर्फ उसका प्रधान का फोन आया था मेरे पास, क्या लगा नकली प्रधान का बताओ ना आ लिया चल उसकी प्रधान नकली है नकली अच्छा उन्हें जो बना दिया तो उसका रुद्राम का फोन आया मेरे पास, पहले बता जी की बात पूछूँ मैं भक्त बोल बोला हम सोचते हैं आपको हमारी इस सभा में है जो वाल्मीकि सभा बढ़ावा में उसमें आपको हमारे सलाहकार ले लें, मैं कहा क्यों ले लेंगे मैं सब सलाहकार कैसे ले लें, मेरी कोई नियुक्ति नहीं, मैं उसका मेम्बर ही नहीं, उस कमेटी का मेम्बर नहीं, मैंने क्यों ले तो मेरा नाम नहीं मेरा नाम हमारे और भी सदस्यों के ऊपर दबाव है, वो फोन करवा रहे हैं इधर उधर से।